बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोलते समय सेंटेंस नहीं बनता है, वर्ड्स याद नहीं आते हैं, इस सेशन को आप पूरा देखिए मेरे साथ में, आपको खुद से समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम कि हम करते क्या है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, जैसे सबसे पहला सेंटेंस आप देखें, इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड ने वाइफ से कहा, प्रॉब्लम कहाँ है, सेंटेंस हमारा बनता क्यों नहीं है बोलते समय, जबकि ग्रामर आती है कि हम ये सारे हिंदी के वर्ड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करना है। मैसेज को समझिए, हर सेंटेंस को हम यहाँ पे कम से कम 4-5 तरीके से कहेंगे और हर सेंटेंस का ग्रामर समझेंगे साथ के साथ, राइट। तो हस्बैंड ने वाइफ से कहा, इसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। सिचुएशन को समझिए, शब्दों को भूल जाइए। देखिए, 4-5 तरीके से कहते हैं। एक सिंपल तरीका, बेसिक ट्रांसलेशन, डोंट कवर अप हिज मिस्टेक्स। डोंट कवर अप हिज मिस्टेक्स, कवर अप वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है। कहा यह भी जा सकता है, डोंट हाइड हिज मिस्टेक्स, राइट। डोंट कवर अप हिज मिस्टेक्स और ही गेट स्पॉइल्ड, और ही विल गेट स्पॉइल्ड, ये एक लिटरल ट्रांसलेशन हुआ। कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं जो ट्रांसलेट हो जाते हैं, लेकिन हमें एक सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया तो ये नहीं सोचना है कि सारे कर डालेंगे। कहा यह भी जा सकता है, देखिए, इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स, थोड़ा घुमा के कह रहे हैं, डोंट कवर अप हिज मिस्टेक्स भी कह सकते हैं। सो इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स ही एंड अप स्पॉइल्ड, ये एक फीलिंग है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। ही एंड अप स्पॉइल्ड यानी कि बिगड़ जाएगा, यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अगर ये ऐसा होता रहा तो ये बिगड़ जाएगा, इसकी अवस्था ऐसी होगी। तो एंड अप, ही एंड अप स्पॉइल्ड, राइट। ही विल गेट स्पॉइल्ड, ये एक लिटरल ट्रांसलेशन बिल्कुल स्ट्रेट था। अब यहाँ पर हम टर्न आउट का भी यूज कर सकते हैं फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। आप कह सकते हैं, इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स, इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स ही टर्न आउट स्पॉइल्ड। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने कहा एंड अप और यहाँ पर हम कह रहे हैं टर्न आउट, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। दोनों का मतलब है नतीजा ये निकलेगा। एंड अप का मतलब हो गया कि एंड में ऐसा होगा, फाइनली ये बिगड़ ही जाएगा, और टर्न आउट है कि ये इसकी आदत हो जाएगी, निकल जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ कि आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स आई एंडेड अप एट अ गुड रेस्टोरेंट, आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स आई एंडेड अप एट अ गुड रेस्टोरेंट, यानी कि फाइनली मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट पे पहुंच गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स आई एंडेड अप एट अ गुड रेस्टोरेंट, एंड अप जैसे ही मैंने कहा यानी फाइनल आउटकम की बात कर रहा हूँ। तो इस वाले सेंटेंस में कह दिया, इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स ही एंड अप स्पॉइल्ड, यानी आखिर में ये बिगड़ जाएगा, राइट। और टर्न आउट हम वहां पर यूज करते हैं जब ऐसा हो जाएगा, जैसे कि कहा जाएगा, इन द बिगिनिंग ही कुडेंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस करेक्टली, इन द बिगिनिंग ही कुडेंट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस करेक्टली बट ही टर्न आउट टू बी अ गुड लर्नर एंड स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। ही टर्न आउट टू बी अ गुड लर्नर, यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेस में वो निकल गया, कुल मिलाकर के उसका बिहेवियर बताया जा रहा है। ही टर्न आउट टू बी अ गुड लर्नर, यानी अच्छा लर्नर निकला, एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। तो टर्न आउट थोड़ा सा हम लॉन्गर टर्म तक उसकी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, और एंड अप जब हम यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल फाइनल आउटकम की बात कर रहे हैं, राइट। सो इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स ही एंड अप स्पॉइल्ड, यानी फाइनली बिगड़ जाएगा, एंड इफ यू कीप कवरिंग हिज मिस्टेक्स ही टर्न आउट स्पॉइल्ड, यानी धीरे धीरे करके बिगड़ जाएगा। अगले सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करिएगा, ऐसे मैंने क्या कर दिया। जैसे अब उस बच्चे की बात हो रही थी, बच्चा 3 साल का है, बच्चे ने कह दिया ऐसा मैंने क्या कर दिया। लिटरल ट्रांसलेशन जब हम करेंगे, सो व्हाट डिड आई डू लाइक दैट, What did I do like that, इस तरीके से, लेकिन जो फीलिंग है एग्जैक्टली उसने कहा What did I do wrong, समझिएगा। दोनों सेंटेंसेस चले जाएंगे क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है जिसका एक इंडिविजुअल मीनिंग है, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस अभी आगे ऐसी आएंगी जो आप सेंटेंस को आपको सिचुएशन से जोड़ना ही पड़ेगा, और बिना सिचुएशन से जोड़े अगर लिटरल ट्रांसलेट कर देंगे शब्दों को तो मीनिंग कुछ का कुछ बन जाएगा या सेंटेंस बनेगा ही नहीं। जैसे उसने कह दिया What did I do wrong? Why are you saying like that? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? What did I do wrong? मैंने क्या गलत कर दिया? अब देखिए, फिर मैंने जवाब दे दिया, मैंने तुम्हें भाई को गाली देते हुए सुना, मैंने तुम्हें भाई को गाली देते हुए सुना। देखिए, कई सारे वर्ड्स होते हैं एक संदर्भ में। So I heard you abusing your brother. I heard you abusing your brother. देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, abuse का मतलब है तो गाली देना, लेकिन ये abuse जो वर्ड है काफी ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट हैवी वर्ड है। तो एक्चुअल में अब्यूज नहीं किया उसने, उसने क्या किया, वो जो लाइट कुल मिलाकर के हल्की फुल्की गाली दे देना, जो वहां पर अब्यूज नहीं करा है, एक ऑफेंड उसने कह दिया बिना सोचे समझे। सो आई हैड यू अब्यूजिंग योर ब्रदर, एक लिटरल ट्रांसलेशन है, चल जाएगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज टेक्निकली करेक्ट, राइट। लेकिन वहां पर कहा किया गया था कि आई हैड यू स्वेयरिंग एट योर ब्रदर, I heard you swearing at your brother. Swear करना किसी को, यानी कि किसी को insult कर देना या फिर किसी को थोड़ा सा harsh word use कर देना। So I heard you swearing at your brother. इस तरीके से आपने कह दिया, या फिर आप कह करके देखिए, I heard you saying bad word to your brother.
तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि अगर हम वहाँ पर ये कह देंगे आई हर्ड यू अब्यूजिंग योर ब्रदर, मैसेज तो फिर भी चला जाएगा लेकिन थोड़ा सा अजीब लगेगा। जब हम हिंदी में बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारा पर्पस होता है फीलिंग एक्सप्रेस करना, और जब हम फीलिंग ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा ऊट पटांग सेंटेंसेस बोलने का, जबकि वो टेक्निकली करेक्ट हैं, राइट। तो अगर उस बच्चे ने हल्की फुल्की अगर मुंह से उसके गाली निकल गई है, सो आई हर्ड यू स्वेरिंग एट योर ब्रदर। अब देखिए, जो स्वेयर वर्ड है, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, और ग्रामर का भी कंफ्यूजन यही है, ग्रामर के भी कई सारे पर्पस हो सकते हैं, जहाँ यूज होगी वहाँ पे उसका अलग मीनिंग निकलता है। स्वेयर हम कई बार कसम खाने के लिए भी कह देते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे कहूँ आई स्वेयर टू यू आई डिडंट नो दैट, यानी कि आई स्वेयर टू यू आई डिडंट नो दैट, यानी मुझे नहीं पता था ये, राइट। आई स्वेयर टू यू, जैसे कि मैं भगवान की कसम खा रहा हूँ अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, आई स्वेयर टू गॉड। तो ये छोटी छोटी प्रीपोजिशंस याद रख लेने, जब भी हम स्वेयर कर रहे हैं तो टू लगा देंगे, आई स्वेयर टू यू, राइट, या फिर आई स्वेयर टू गॉड यानी आई प्रॉमिस। कुल मिलाकर के हम स्वेयर जब कर रहे हैं तो किसी को साक्षी मान रहे हैं या किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं। हिंदी मिलान ना करते हुए सिचुएशन समझ जाइए कि सिचुएशन में कहते हैं और क्या ग्रामर लगा देते हैं। सो आई स्वेयर टू गॉड आई वॉन्ट स्मोक अगेन, यानी दोबारा सिगरेट नहीं पीऊंगा। सो आई हर्ड यू सेइंग बैड वर्ड टू योर ब्रदर, मैंने सुना था तुमको भाई को गाली देते हुए, वो हल्की फुल्की गाली थी। अब देखें, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, अब उसने कहा मेरे मुंह से गलती से निकल गई, इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आएगी। सारे हिंदी के वर्ड्स हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, विल एंड अप स्पीकिंग एन इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें फीलिंग को समझना है, तीन शब्दों में उसने कह दिया इट स्लिप्ड आउट, इट स्लिप्ड आउट यानी कि गलती से निकल गया मुंह से, राइट। तो ये हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का कोई कनेक्शन नहीं है कि इतने शब्दों में आप ऐसे बोलो और इतने शब्दों में हम ऐसे बोलेंगे। शब्द बढ़ाने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे, कम ज़्यादा करने पड़ेंगे, राइट। सो इट स्लिप्ड आउट, इस तरीके से कह दिया, या फिर कह सकते हैं इट वॉज स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग, सिंपल, मुंह से गलती से निकल गई, राइट। अब इट वॉज स्लिप ऑफ टंग का लिटरल ट्रांसलेशन थोड़ी ना है कि मुंह से गलती से निकल गई, कह दीजिए आप सॉरी आई डेंट मीन टू से दैट, आई डेंट मीन टू से दैट, आई सेड इट ऑफ हैंड, आई सेड इट ऑफ हैंड। ऑफ हैंड भी होता है कुल मिलाकर के बिना सोचे विचारे कोई काम कर देते हैं या कह देते हैं, आई सेड इट ऑफ हैंड यानी सोचा नहीं इसके बारे में मैंने, राइट। सो इट वॉज अ मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो एक्सप्रेशंस देखने हैं हमको कि किस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। ग्रामर आपको ऑलरेडी आती है, देखिए मैं आपको बताऊं, 3 साल तक भी आप ग्रामर सीखते रहिए फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि 10% सेंटेंसेज हैं जो ग्रामर लगा के ट्रांसलेट हो जाएंगे। ग्रामर आपको आती है एंड दैट्स द रीजन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश। समझ में आ रही है, इसका मतलब आपको ग्रामर आती है। वर्ड ऑर्डर सीखने की ज़रूरत है कि कौन सी सिचुएशन में कॉमनली कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं और किसके बाद कौन सा वर्ड लगाया जा रहा है, राइट। और उसको सीखने के लिए 1 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम, और 350 से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, और वीडियो रोज़ देखा करें, गैप ना दिया करें, आज देख लिया फिर 3 दिन बाद नोटिफिकेशन मिल गया तो देख लिया, इससे क्या होता है आज का सीखा हुआ भी भूल जाते हैं, राइट। आप 50 सेशंस देख लीजिए कंटिन्यूअसली, खुद से आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, हम आपको अपने सबसे पहले प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। रियल टाइम में जब बातें करेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, निकल के आएंगे इट स्लिप्ड आउट, तो वहां पर आप ये कहने की कोशिश नहीं करेंगे, मान के चलिए कोई गलती से मुंह से निकल ही गया, तो वहां पर आप ये नहीं कहेंगे मेरे मुंह से गलती से निकल गया, आप यही कहेंगे सॉरी इट स्लिप्ड आउट, इट वॉज स्लिप ऑफ टंग, या फिर आई डिडंट मीन दैट, राइट। तो वहां पर आएगा, रियल टाइम में बात करेंगे तो रियल इंग्लिश निकल के आएगी, अकेले प्रैक्टिस करते हैं तो ये सेंटेंस सोच लेते हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाने में लग जाते हैं जो कि बन के ही नहीं आता। तो वहां पे आप पूरा दिन चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, ग्रुप में जब पार्टिसिपेट करेंगे दूसरे लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि इस सिचुएशन में कौन व्यक्ति कहां से सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है, कहां खत्म कर रहा है। कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे, धीरे धीरे 1-2 सेंटेंस बोलना शुरू करो, 1 के 2, 2 के 4, 5 के 10 बोलने लग जाएंगे। लाइव सेशंस होते हैं शाम को, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जो कि दिन में कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई सेंटेंस नहीं बना, ग्रामर समझ नहीं आई, डाउट क्लियरिंग सेशन में आएंगे, 15 दिन में पूरी ग्रामर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सीखने का कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 40-45 ग्रामर के रूल हैं, 15 दिन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा रूल होता है, कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपके दिमाग में नहीं आया लेकिन सामने वाला पूछ रहा होता है, तो ग्रुप में जब सीखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, राइट। आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बाकी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ, कि जाओ इनके बाल कटवा लाओ, चलो ठीक है। फिर उसने लास्ट में ही सेड अ बैड वर्ड टू हिज ब्रदर, और उसके बाद में उसने सॉरी बोल दिया, सॉरी आई डिडंट मीन टू से दैट, मेरा वो मतलब नहीं था, या फिर इट स्लिप्ड आउट, गलती से मुंह से निकल गया। वाइफ ने कह दिया जाओ इनके बाल कटवा लाओ। अब ये ऐसे ट्रांसलेशंस हैं, बाल कटवा लाओ, लिटरल ग्रामर नहीं लगानी है, राइट। उस सिचुएशन में किस तरीके से सेंटेंस बनता है, गो गेट देम हेयर कट,
गो गेट देम अ हेयर कट, यानी कि जाओ और उनके बाल कटवा लाओ। सीखते समय देखते समय बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हम यहाँ पर हेयर कट को एक सिंगल काम के तरीके से लेते हैं, गेट देम अ हेयर कट, यानी जाओ इनके बाल कटवा लाओ। आगे के सेंटेंसेस देखिए, क्लियर होगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि कहीं मुझे गंजा मत करवा देना, स्टाइल वाले बाल कटवाना, वो छोटे वाले ने, सबसे छोटे वाले ने कहा कहीं मुझे गंजा मत करवा देना, मेरे स्टाइल वाले बाल कटवाना। अब देखिए यहाँ पर उसने कह दिया कहीं मुझे गंजा मत करवा देना। ऐसा नहीं है कि यही सेंटेंस है इस तरीके से बोला जाएगा, जहां पर भी आपको डर लगाना जताना है, श्योरिटी जतानी है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना आ जाए, कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं तुम ऐसा मत कर देना, तो हर जगह वही आएगा, राइट। सो कहीं मुझे गंजा मत करवा देना, स्टाइल वाले बाल कटवा देना। सो डोंट मेक मी बॉल्ड, जस्ट डोंट मेक मी बॉल्ड, गेट मी अ स्टाइलिश हेयर कट। अब देखिए यहां पर हमने क्या करा, जस्ट से हमारा काम चल गया, लेकिन अगर हम वही पुरानी आदत करें, कहीं को जबरदस्ती यूज करने पड़े, कहीं मुझे गंजा मत करवा देना, कहीं का अगर हम ट्रांसलेशन ढूंढ ढांड के लाएंगे भी, तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बड़ा अजीब साउंड करेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन है, एक्सप्रेशन है, राइट। अगर हम यूज करना चाहें तो एक बार को कहा जा सकता है मेक श्योर नॉट टू मेक मी बॉल्ड, मेक श्योर नॉट टू मेक मी बॉल्ड, गेट मी स्टाइलिश हेयर कट, लेकिन फिर भी मजा नहीं आएगा। सिंपल कहने को कहा जा सकता है, कुछ हद तक ट्रांसलेशन पॉसिबल है, लेकिन लिटरल अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बड़ा अजीब बनेंगे या बनेंगे ही नहीं। तो सिचुएशन में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कहा ऐसे भी जा सकता है डोंट गेट मी ए बॉल्ड कट, डोंट गेट मी ए बॉल्ड कट। अब ये ऑल्टरनेटिव पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे पता चलेंगे कि जब आप रियल टाइम में बात करेंगे, कोई कह देगा डोंट मेक मी बाल्ड, या फिर कोई कह देगा डोंट गेट मी बाल्ड कट, गेट मी स्टाइलिश हेयर कट, बाल्ड कट, राइट, डोंट गेट मी अ बाल्ड कट, गेट मी स्टाइलिश हेयर कट, राइट। अब देखिए आई होप समझ में आया होगा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम ये सारे शब्द यूज करने की कोशिश करते रहेंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और ये आदत छूटेगी कब, जब आप रियल टाइम में बात करेंगे, जब आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, तो ये आदत छूटेगी। वरना आप अकेले प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा एक सेंटेंस आपके माइंड में आएगा, सिचुएशन नहीं होगी, सेंटेंस होगा, और उसको ट्रांसलेट करते समय आप वही आदत दोहरा रहे होंगे, यही सारे वर्ड्स यूज कर रहे होंगे। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए अगले सेंटेंस को एक बार बोल करके देखिए, तुम्हें जैसे बाल कटवाने हैं खुद बार बार को बता देना। उसने कह दिया डोंट गिव मी अ बाल्ड कट, आई वॉन्ट अ स्टाइलिश वन, मुझे स्टाइल वाले बाल कटवाने हैं, सो डोंट गिव मी अ बाल्ड कट, आई वॉन्ट स्टाइलिश वन, मुझको स्टाइल वाले कटवाने हैं। मैंने कह दिया कि भाई जैसे तुम्हें कटवाने हैं बार बार को खुद बता देना। सो यू कैन टेल द बार्बर हाउ यू वॉन्ट इट, यू कैन टेल द बार्बर द हेयर स्टाइल यू वॉन्ट, यू कैन टेल द बार्बर द हेयर स्टाइल यू वॉन्ट। तो थोड़ा बहुत पोर्शन ग्रामेटिकली हमको बस बताना आना चाहिए। यू कैन टेल द बार्बर योर सेल्फ लगा दो साथ में, यू कैन टेल द बार्बर योर सेल्फ हाउ यू वॉन्ट इट, राइट। तो वर्ड्स का प्लेसमेंट कैसे समझ में आएगा सुन सुन के, यू कैन टेल द बार्बर योर सेल्फ द हेयर स्टाइल यू वॉन्ट, जैसा तुम्हें हेयर स्टाइल चाहिए वैसा आप बता देना। जैसे कि क्या अयान भी हमारे साथ चलेगा, उसने पूछ लिया भाई के बारे में, क्या अयान भी हमारे साथ चलेगा, सो इज अयान कमिंग विद अस टू। यहाँ पर टू और ऑल्सो दोनों यूज करे जा सकते हैं, इज अयान कमिंग विद अस टू लास्ट में ले जाइए, या फिर इज अयान ऑल्सो गोइंग विद अस, इज अयान ऑल्सो कमिंग विद अस, क्या अयान भी हमारे साथ में चलेगा। देखिए अब इस सेंटेंस को आप बोलने की कोशिश करिए, तुम दोनों ही मेरे साथ चल रहे हो, हाँ बिल्कुल तुम दोनों ही मेरे साथ चल रहे हो। अब ये जो बिल्कुल है, डेफिनेटली भी कह सकते हैं, ऑब्वियसली भी कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी शायद कह सकते हैं, सो ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं, राइट, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स, बोथ ऑफ यू आर कमिंग विद मी। देखिए इसको बोलते समय अक्सर गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि हम वही सारे सेंटेंसेस ज़्यादा चूज करके लेकर के आते हैं जो अक्सर हमने किसी को गलत बोलते सुना होता है, या फिर जनरली हमको लगता है कि गलती होती है इनमें। यहाँ कह दिया बोथ ऑफ यू आर कमिंग विद मी, यानी तुम दोनों के दोनों, जिस सेंटेंस में हम कहते हैं बोथ ऑफ, यानी कि वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, यानी कुछ में से कुछ, यहाँ पर दो हैं, बोथ का मतलब है दोनों, बोथ ऑफ यू यानी कि तुम दोनों के दोनों, राइट, बोथ ऑफ यू आर कमिंग विद मी, या फिर इस तरीके से बोल दीजिए ऑब्वियसली यू आर बोथ। गलती कहाँ पर अक्सर हमने सुनी है, यू बोथ आर कमिंग विद मी कह दिया जाता है, यू के बाद बोथ लगा देते हैं फिर आर कहते हैं, जबकि हम जो वर्ड ऑर्डर है यू आर बोथ कमिंग विद मी, इस तरीके से आपको आदत डाल देनी है। जैसे हम कहें कि हम सब बेस्ट हैं, हम सब बेस्ट हैं, वी ऑल आर द बेस्ट, थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर इनकरेक्ट है, वी आर ऑल द बेस्ट, वी आर ऑल द बेस्ट। तो वही चीज हमको यहां पर नोट करनी है, यू आर बोथ विद कमिंग विद मी, तुम दोनों मेरे साथ में जा रहे हो, या फिर बोथ ऑफ यू आर कमिंग विद मी, यानी कि तुम दोनों के दोनों मेरे साथ जा रहे हो। जैसे कि पहले किसके बाल कटवाओगे, मेरे या इसके,
पहले किसके बाल कटवाओगे, मेरे या इसके? देखो दोनों तरीके से कहेंगे इसमें, हिज हर्स आर्स माइन, मेरा तुम्हारा उसका, इस प्रकार के वर्ड्स हमें यहाँ यूज करने पड़ेंगे। उसका तात्पर्य भी बताऊंगा क्यों, क्योंकि देखिए, हु विल यू गेट द हेयर कट फर्स्ट, मी और हिम? हु विल यू गेट द हेयर कट फर्स्ट, यानी किसको दिलवाओगे हेयर कट? लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, आई एम गोइंग टू गेट अ हेयर कट, आई एम गोइंग फॉर ए हेयर कट भी कह सकते हैं, ऑल्टरनेट इस पता होने चाहिए। तो लेकिन अगर आप गेट, आप बाल कटवाने की बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू गेट ए हेयर कट। अब यहाँ पर बाल किसके, बच्चों के कटवाने जा रहा हूँ। हु विल यू गेट द हेयर कट फर्स्ट, मी और हिम, मुझे या इसको? अगर यहाँ पर ये कहें पहले किसके बाल काटोगे, मेरे या इसके, तो माइन और हिज कर दिया जाएगा। जैसे कि हुज हेयर विल यू कट फर्स्ट, हुज हेयर विल यू कट फर्स्ट, माइन और हिज? जैसे मान के चलिए कि मैं ये कहूँ कि ये लैपटॉप उसका है, दिस लैपटॉप इज हिज। अगर उस लड़की का है तो मैं दिस लैपटॉप इज हर ना कह के कह दूंगा, दिस लैपटॉप इज हर्स। अब बोलते समय हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब हम किसी का क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर हमें थोड़ा अलग करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये लैपटॉप उसका है, दिस इज हिज लैपटॉप, राइट? अगर मुझसे किसी ने पूछा कि हुज लैपटॉप इज दिस, तो थोड़ा एक अच्छा तरीका कहने का ये है, इट्स हिज, इट्स हिज। तो मैं दिस इज हिज लैपटॉप नहीं कहूंगा। जैसे मान के चलिए लड़की की बात चल रही है, राइट? तो मैं कहूंगा दिस इज हर लैपटॉप, ये सिर्फ बता रहा हूं मैं, दिस इज हर लैपटॉप, राइट? लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया हुज लैपटॉप इज दिस, तो मैं कहूंगा इट्स हर्स, इट्स आर्स, इट्स माइन। तो उसी तरीके से कहा, हुज हेयर विल यू कट फर्स्ट, माइन और हिज, मेरे या उसके? तो ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन समझ में कैसे आएंगे, वर्ड ऑर्डर कैसे समझ में आएगा? जब क्वेश्चन करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे तो समझ में आएंगी। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, सही वर्ड ऑर्डर यूज करना। इस सेंटेंस को आप बोल के देखिए, जो पहले कुर्सी पे बैठ जाएगा पहले उसी के बाल कट जाएंगे, जो पहले कुर्सी पर बैठ जाएगा पहले उसी के बाल कट जाएंगे। सारे शब्दों को मत यूज करिए, कुल मिला करके उसको बात पहुंचानी है आपको, उसको आश्वासन देना है कि जो पहले बैठेगा उसके बाल पहले कट जाएंगे। सर, whoever sits in the chair first, whoever, यहां पर कह सकते हैं the one who sits in the chair first will get the haircut first, the one who sits in the chair first will get the haircut first, यानी कि जो पहले बैठ जाएगा वो उसके बाल पहले कट जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस। और घर वापस आते हुए हमें क्या दिलवाओगे, घर वापस आते हुए हमें क्या दिलवाओगे? बिल्कुल सिंपल कहिए, एंड व्हाट विल यू गेट अस, हमें क्या दिलवाओगे? व्हाट विल यू गेट अस ऑन द वे बैक होम, हमें घर आते हुए क्या दिलवाओगे? व्हाट विल यू गेट अस क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे कि एक तो सिंपल सेंटेंस कह दिया जाएगा, जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे लिए चाय ले आओ, गेट द टी फॉर मी, या फिर ब्रिंग द टी फॉर मी, या फिर सिंपल कह, फॉर हटा दूं यहाँ से तो सिंपल कह दूंगा ब्रिंग मी द टी, या गेट मी सम टी, गेट मी सम टी, गेट मी सम चॉकलेट्स, गेट मी दिस, यानी मेरे लिए लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर उसने कह दिया, व्हाट विल यू गेट अस, हमको क्या दिलवाओगे ऑन द वे बैक होम, घर आते हुए। तो इस सेशन के बारे में प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इसे थोड़ा बहुत आपको वर्ड ऑर्डर समझ में आया या नहीं आया। देखिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो अब ग्रामर की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस ये वर्ड ऑर्डर सीखना है। 300 रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं, महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे सिचुएशन के साथ पता चलने लग जाएंगे, कौन सी सिचुएशन में कौन सा स्ट्रक्चर उठाना है, उसको उठाया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बोल डाला। यही करते हैं सारे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। बाय।